लेकिन आप बात करेंगे टाटा पावर की। दरअसल टाटा पावर ने लगातार 16 तिमाहियों से अच्छा प्रदर्शन किया है। क्लीन और ग्रीन एनर्जी के साथ कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कंपनी के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा से बातचीत की हमारे संवाददाता शिवम पाठक ने। टाटा पावर जो कि वर्टिकली अगर सेगमेंट्स में हम लोग देखें तो टाटा पावर देश की एक सबसे बड़ी पावर कंपनी हम कह सकते हैं। तो भारत को ग्रीन बनाने में, एक ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक टारगेट लक्ष्य लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपका योगदान क्या होने वाला है? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो आज हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, ये बिल्डिंग 100 साल से ज़्यादा पहले बना है। ये 1922 में ये बिल्डिंग इनॉग्रेट हुआ था और कंस्ट्रक्शन वर्क इसका 1915 में शुरू हुआ था। और ये हाइड्रो पावर प्लांट है, भीवपुरी हाइड्रो पावर प्लांट। और ये उस समय इसलिए लगाया गया था क्योंकि मुंबई शहर के लिए क्लीन, ग्रीन एंड अफोर्डेबल पावर प्रोवाइड करना था और उसी के तहत ये प्लांट लगा। तो इससे और अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा कि द फाउंडेशन ऑफ टाटा पावर इज़ ऑन क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। और मैं बड़ा खुश किस्मत हूँ कि मेरे को ये मौका मिला है यहाँ पे काम करके, ये इसको कंटिन्यू करने का। और आगे भी आप देखिएगा कि हमारे जितने इनिशिएटिव हैं, चाहे हमारे सोलर एंड विंड के हों या हमारा ये पम्प्ड हाइड्रो का इनिशिएटिव है 1000 मेगावाट का यहाँ 1800 शिरोटा में, ये इसीलिए हम लगा रहे हैं ताकि हम 24/7 क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे पैकेज करके दे पाएँ। तो हमारा ये हाइब्रिड सोल्यूशन होगा सोलर और विंड एंड पम्प्ड हाइड्रो का, ताकि कंज्यूमर, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, कमर्शियल कंज्यूमर हो, ग्रुप कैप्टिव कंज्यूमर हो, यूटिलिटी कंज्यूमर हो, सबको हम ये सोल्यूशन दे पाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2027-28 से आगे हम ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। आगे जाते हुए कोल प्राइसेस को आप कैसे देखते हैं एंड उसका इम्पैक्ट आपके जो आगे आने वाला क्वार्टर है, आगे आने वाला हाफ है, उस पर कैसा रहने वाला है? सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 16th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें हमने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया पिछले साल के सेम क्वार्टर पर। तो ये वन ऑफ नहीं है, ये हमारा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म। दूसरा, पिछले साल 2022 में या जो फाइनेंशियल ईयर FY23 उसमें हमें कोल का मिला था, इस साल हमें कोल का प्रॉफिट नहीं मिला बिकॉज कोल प्राइसेस हैव कम डाउन। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा जो कोर बिजनेस है, चाहे हमारा थर्मल का बिजनेस हो या हाइड्रो का हो या इवन फॉर दैट मैटर मुंद्रा जो हमारा कॉस्ट प्लस पे चल रहा है, या हमारा रिन्यूएबल हो या हमारा ट्रांसमिशन, सब ने बहुत अच्छा काम किया है और ये कंसिस्टेंटली हमारे फाउंडेशनल जो कोर बिजनेसेस हैं उससे प्रॉफिट आ रहा है। तो हमारा अब 80% प्रॉफिट कोर बिजनेस से आता है और स्मॉल कंपोनेंट है जो नॉन कोर से आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही रहेगा। सो ये इस्टेब्लिश करता है कि हमारा कोर बिजनेसेस अब बहुत अच्छा करने लगा है और हर क्वार्टर में बिकॉज ऑफ गुड फाउंडेशन ये कंटिन्यू करेगा अच्छा। नया केपेक्स, नया एक्विजिशन एंड प्लस मार्जिन फ्रंट पर कैसा ग्रोथ आउटलुक आप कंपनी का देखते हैं आगे? तो हम जो भी बिजनेस करते हैं उसमें हम अच्छे मार्जिन से करते हैं, हमारा बड़ा ही कैलिब्रेटेड ग्रोथ होता है और बड़ा ही मैच्योर ग्रोथ होता है। तो हम सुचारू रूप से बिजनेस चलाते हैं और हम इसी दिशा पे काम करते हैं कि हमारा जो भी बिजनेस हो वो हमें एक अच्छा रिटर्न दे हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, हमारे कंपनी के लिए। और आगे भी आप देखिएगा कि हमारे जितने इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनका रिटर्न बहुत अच्छा होगा। तो ये आपने सुना टाटा पावर के मैनेजमेंट को आगे के आउटलुक पर बातचीत करते हुए। स्टॉक अगर आप देखेंगे इस समय तो 272 पर ट्रेड कर रहा है, 273